लेट्स गो इनसाइड माय ट्रेन 90171 इसकी लाइन है ये. दे हैव बियर वाइन्स कोल्ड ड्रिंक्स. Hey you guys, welcome back to my channel. I am my Shadow Beats and your Pallavi. I am going to travel today and this trip is actually a very long awaited trip. ये trip मुझे काफ़ी time से करनी थी और 3-4 बार मैं अपनी ticket reschedule करा चुकी हूँ. I was planning for this trip since May, I guess. हाँ, May में मेरा visa आया था. Yes, I am traveling to a different country. May में मेरा visa आया, फिर शादी के लिए चले गए and lot of things happening. So finally today is the day when I am traveling and Sachin is also traveling. So I am right now at the Saint Pancras King's Cross station because I am going to Paris. I am going to France. Yay, Paris! Yes. So Paris मुझे बहुत टाइम से जाना था. जब से मैं लंदन आई हूँ लास्ट ईयर तब से आई वॉज लाइक भाई सबसे पहले तो जाएंगे तो पेरिस ही जाएंगे. सो फाइनली टुडे इज़ द डे. मैं ट्रेन से जा रही हूँ और यूरोस्टार ट्रेन है जो पेरिस जाती है लंदन से और वो मिलती है हमको सेंट पैनक्रियाज किंग्स क्रॉस स्टेशन से. सो आई स्टे एट साउथ बैंक. सो वहाँ से आई टुक द नेशनल रेल वाला जो थेम्स लिंक है. दिस इज़ बेसिकली द किंग्स क्रॉस का इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन. बट हम ऐसे ही जाकर के ट्रेन में नहीं चढ़ सकते. जस्ट लाइक एयरपोर्ट हियर ऑल्सो यू हैव टू गो थ्रू द इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट सिक्योरिटी चेक बिकॉज वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री. So there you can see the board which shows a departs Eurostar. This is the Eurostar international departures ki line. Ispe you can see the departure counter. So once I go inside in this departure counter then I'll get to know ki kya kya check karte hain. I reached station almost 100 minutes matlab 2 ghante ke aas pass 2 ghante pehle because mera aur Sachin ka ye first experience hai Eurostar ka and also first international travel via train. So we did not wanted to take any risk. Humko laga thoda jaldi jaake dekhte मिस नहीं होना चाहिए कुछ. वी बुक्ड आर टिकट्स फ्रॉम द यूरो स्टार वेबसाइट इटसेल्फ. यूरो स्टार गिव्स यू दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीस्केड्यूलिंग योर टिकट. कितने भी बार आप कर लो विद इन अ ईयर द ट्रैवल हैज़ टू बी विद इन दैट ईयर. तो हमारी तो ऑलमोस्ट 3 से 4 बार रीस्केड्यूल हो गई है. कुछ ना कुछ हो जा रहा था और हम जा नहीं पा रहे थे. सो या आई मीन वी बॉट इट फ्रॉम द वेबसाइट. यू कैन ऑल्सो बाई इट फ्रॉम द वेबसाइट. डिफरेंट डेट्स हैज़ डिफरेंट रेट्स और वो रेट चेंज होते रहते हैं. डिपेंड्स अगर पीक सीजन है या फिर वीकेंड है. सो इट्स एडवाइजेबल कि अगर आपको बुक करनी है तो आप एडवांस में 2 महीने बुक करो. एंड वेन यू बाई दैट टिकट टिकट्स में जो रिपोर्टिंग टाइम रहती है एयरपोर्ट की एयरपोर्ट क्यों बोल रही हूँ स्टेशन की इट्स रिटन देयर 90 मिनट्स. बट यहाँ पे जो काउंटर्स खुलते हैं वो 75 मिनट्स पहले खुलते हैं विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.25 घंटे के आसपास. तो मेरे पास तो अभी फिलहाल 2 घंटे हैं तो हाफ एन आवर बाद मेरी लाइन खुलेगी. उसके बाद हम जाएंगे अंदर एंड विल सी कि डिपार्चर काउंटर्स पे क्या क्या होता है. बेसिकली जो पासपोर्ट कंट्रोल चेक में क्या क्या होता है. सच तुम तो यहाँ रोज आते हो ना ऑफिस के लिए. हाउ इज दिस स्टेशन टेल द ऑडियंस. हैज लॉट ऑफ पब्स एंड बार्स. एक बाहर पब है उस डायरेक्शन में बहुत ही अच्छा है वो. सचिन पब्स एंड बार्स के अलावा भी बहुत अच्छा खाना भी मिलता है. इट्स वेरी चीप फूड. पिज्जा चिकन बर्गर lots of beer, good beer. There are a bunch of eateries and it's like a shopping mall. Yeah, aap dekh sakte ho the dune ka shop hai. Yeah, they have. So here you will get a lot of stores. Matlab you can even if you come early Saint Pancras station pe you will get a lot of option to shop, to eat, to roam around. Lekin ab andar jaane ke baad शॉप्स हैं कि नहीं उसका आइडिया नहीं है क्योंकि वो तो हम जाएंगे तब पता चलेगा हमको भी. आई डाउट क्योंकि बाहर इतने ज़्यादा शॉप्स हैं. आई डोंट थिंक अंदर होगा. माय ट्रेन 90171 इसकी लाइन है ये. इट्स प्रीटी सिमिलर टू एयरपोर्ट. सो दीज आर द डिपार्चर काउंटर्स. So this is my ticket and now I have to scan my ticket there. पैकेज चेक काउंटर एंड यहाँ पे हो रही है पासपोर्ट चेक एंड इमिग्रेशन.
our passport control check is done. So basically airport wala hi scene hota hai. Sabse pehle humne ticket scan karke andar aaye. Uske baad there was this luggage scanning. Luggage scan hua where you have to keep all your luggage and mobile phones and everything just like airport mein security check jaise hota hai saman ka. Uske baad then there was next counter jahan pe identity check hoti hai aapki, just your passport, and they will just match photo and details on your passport with your face. Basically जो इंडिया में अपन एंटर करने के लिए जो दिखाते हैं ना एयरपोर्ट के अंदर, वो वाला लेवल होता है. आफ्टर द आइडेंटिटी चेक देन यू विल गो टू द सेकेंड काउंटर जहाँ पे दे विल चेक एवरी थिंग. बेसिकली दैट्स द इमिग्रेशन. दे विल चेक योर पासपोर्ट, योर वीज़ा, योर बी आर पी कार्ड एंड देन योर डन. देन यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म. मतलब हमारी ट्रेन तो है 7-8 प्लेटफॉर्म से. सो वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म राइट नाउ. वी आर वेटिंग क्योंकि हम जल्दी आ गए हैं और अभी 6 बजे वाली ट्रेन भी नहीं गई है. तो पीपल आर वेटिंग जो 6 बजे वाले थे वो भी, और हमको तो अभी अप्रॉक्सीमेटली मोर देन एन आवर वेट करना है. सो यू आर जस्ट वेटिंग. सो आई वुड सजेस्ट डोंट कम टू अर्ली. आई मीन इफ यू विश टू कम यू कैन, बट देर इज नॉट मच टू डू इन साइड आफ्टर योर पासपोर्ट चेक एंड एवरीथिंग इज डन. क्योंकि अंदर इतने कुछ शॉप्स हैं नहीं एंड ज़्यादा रश भी नहीं था. तो वी वो लाइक डन द एंटायर चेक इन, इमिग्रेशन, पासपोर्ट चेक वॉज डन इन 10 मिनट्स सिक्योरिटी चेक के साथ. सो इतना रश भी नहीं था तो वी वो लाइक ओके. बट दिस वॉज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन टू अ डिफरेंट कंट्री. सो वी डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क. हम बोले कि जल्दी चलो, फर्स्ट टाइम है, देखते हैं एक्सपीरियंस हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम वी कैन जस्ट मैनेज अकॉर्डिंगली. फाइनली वी आर गोइंग टू बोर्ड द ट्रेन. अभी 25 मिनट्स बचे हैं ट्रेन खुलने में और अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे. सो दिस इज द ट्रेन यूरोस्टार. सचिन व्हाट इज आवर कोच नंबर? अरे बताओ ना यार, मैंने नहीं देखा है टिकट. मैंने टिकट्स नहीं देखी है. कोच नंबर, सीट नंबर क्या है? अब है ही सचिन, देख लेगा. बताओ, 4 कोच नंबर, 4 सीट नंबर, 47 मेरा. ओह अरे बोलो, मुझे नहीं पता. अरे यार छोड़ो, ठीक है चलो ढूंढ लेंगे. तुम्हारे बगल में ही होगा बट ऑब्वियस है ये तो. लेट्स गो इनसाइड. सो दिस इज द बैगेज एरिया. यू हैव टू कीप योर बैगेजेस हियर. लगेजेस अब यहाँ पे रख दो. और वो उस साइड है सीट्स. यहाँ रख दो. कहाँ जा रहे हो? व्हाई आर वी नॉट कीपिंग इट हियर? यहाँ रख दो ना, एक साथ खड़ा हो जाएगा. वी प्री बुक्ड आवर सीट्स बहुत पहले, क्योंकि हमारी टिकट्स बहुत पहले की थी क्योंकि शेड्यूलिंग हो गई है डिफरेंट थिंग. तो हमको ये फोर वाला मिला है. बेसिकली देयर इज अ टेबल एंड दिस फोर सीट्स. अदरवाइज अगर आप पीछे देखोगे तो एक आई गेस वन कोच में ये ऐसे चार टेबल वाली सीट्स, दो हैं, एक इधर और एक उधर. बाकी देर आर लाइक टू सीट्स. आई वुड सजेस्ट कि डोंट गो फॉर द फोर वाला सीट्स क्योंकि उसमें आपकी जो लेग स्पेस होती है वो क्रैम्प हो जाती है. So still 5 minutes left ट्रेन खुलने में, but the boarding starts like 25 to 30 minutes पहले. और लंडन टू पेरिस ये जर्नी है, वी विल कवर इन 2 hours and 20 minutes.
काफ़ी. लुक एट द स्पीड, ट्रेन इंडिया में इतनी स्पीड में तो चलती नहीं है, राजधानी भी नहीं चलती है भाई. 226 किलोमीटर पर आवर, माय गॉड, पता भी नहीं चल रहा है इतनी तेज चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है. बट मेरे कान बंद हो जा रहे हैं, जैसे कि वो अपने फ्लाइट में होते हैं ना. राइट नाउ वी आर हियर, ये है यूके, और फिर हम ये टनल क्रॉस करके, बेसिकली ये सी क्रॉस करके विल रीच हियर व्हिच इज फ्रांस. सो दिस इज कॉल्ड इंग्लिश चैनल टनल एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट अंडर वाटर टनल इन द वर्ल्ड व्हिच इज लाइक ऑलमोस्ट 31 miles. कितना होता है 31 miles? 50 किलोमीटर के आसपास का ये टनल है जो कि पूरा अंडर वाटर टनल है. मतलब यू एंटर इन इंग्लैंड व्हिच इज यूके एंड देन यू पॉप आउट इन फ्रांस. This is the longest tunnel and this is only this is actually very special about Eurostar. अगर आप flight से जाओगे तो आप ये tunnel मतलब obviously you will not be travelling in the tunnel. Yeah, jokes apart, सचिन को इसलिए ये Eurostar train से जाना था just because he wanted to cross the tunnel. I'm surprised. हम tunnel के अंदर है, मतलब underwater tunnel के अंदर, ocean के अंदर, और फिर भी नेटवर्क आ रहा है 4G. देखा, एक्चुअली सरप्राइज्ड, अंडर वाटर पानी के अंदर नेटवर्क कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है सचिन? बट कूल ना, बोर, इंसान बोर भी नहीं होगा. मतलब ये कितना टाइम लगता है इसको क्रॉस करने में? 30 minutes. सो इट विल टेक लाइक 30 minutes टू क्रॉस दिस इंटायर टनल, स्ट्रेट आउट ऑफ दैट टनल एंड वी आर इन फ्रांस. So this train also has a pantry. Now let's go and check out. कहाँ है? So this is the pantry section. What do you want to eat? मेरा तो आज जन्माष्टमी का फास्ट है, तो मैंने बस जूस और फ्रूट्स खाया. पता नहीं सच क्या लेने आ रहे हैं यहाँ पे. This is the menu. Metropole by Eurostar. Oh, they give soups and risotto also. Nice. So they have beer, wines, cold drinks, chips, nuts. You also have coffee, huh? No. Yes, yes, I want coffee. Which coffee? I don't know. Oh my God, guys, look at the sky. पूरी की पूरी sky orange हो रखी है. So pretty. This is what Sach has taken. Popcorn. Waste money. No, that's why they put it on deal, na, because nobody wants to drink it. So you should have saved money by buying that deal. Oh wow. इंडिया में मेरे आज तक किसी ट्रेन में ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे ईयर्स एकदम ब्लॉक हो गए हैं, बट यहाँ पे तो हेडेक भी हो रहा है, ईयर्स भी ब्लॉक हो गए हैं, एग्जैक्टली जैसा फ्लाइट में होता है. एंड ऑल्सो यू कैन नॉट स्टैंड एट वन प्लेस, क्योंकि ट्रेन इतनी स्पीड है कि आप हिलते रहते हो पूरे टाइम पे. तो यूरोस्टार हैज़ टू सेक्शंस, टू कैटेगरीज एक्चुअली. वन इज़ फर्स्ट क्लास, और आप बिजनेस क्लास बुला लो, एंड द अदर वन इज़ इकोनॉमी, जिसमें मैं जा रही हूँ, हम ट्रैवल कर रहे हैं. सो इकोनॉमी में जैसे आपने देखा कुछ भी नहीं है. इफ़ यू वॉन्ट टू ईट समथिंग हियर, सो कम टू द पैंट्री सेक्शन देन बाय. बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग वाया फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास, देन वो आपको जैसे फ्लाइट में आते हैं सर्व करने के लिए प्रॉपरली, कम देयर एंड दे सर्व. फर्स्ट क्लास के सीट्स थोड़े अच्छे हैं, थोड़े कुशनी हैं. राइट ऑन टाइम एंड बॉन्जोर, वी आर इन पेरिस. एंड लाइक दैट, जस्ट इन 2 hours and 20 minutes वी आर इन फ्रांस, वी आर इन पेरिस. सो वी हैव कम टू गार्ड नॉर्ड स्टेशन. गार्ड नॉर्ड ही बोलते हैं शायद, या कुछ और बोलते हैं, मैं तो उसके लिए सॉरी, आई डोंट नो फ्रेंच. या सो दिस एक्चुअली इन द सेंट्रल पेरिस, जैसे कि लंदन में किंग्स क्रॉस इज ऑल्सो इन द सेंटर. सो यूरोस्टार इज़ द बेस्ट ट्रेन टू ट्रैवल. आप सेंट्रल से, सेंट्रल लंदन से सेंट्रल पेरिस पहुँच जाते हो. There is no extra level of checking or immigration or passport check after you come out of the train. मतलब आप ट्रेन से निकलो एंड यू आर डायरेक्टली ऑन द प्लेटफॉर्म, और ट्रेन मतलब मेट्रो ट्यूब जो होता है, एंड आप डायरेक्टली होटल चले जाओ या जहाँ भी आपको जाने का मन हो. सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने देखा था जब भी लंदन में किंग्स क्रॉस में इवन सिक्योरिटी हैपेंड, दैट पासपोर्ट चेक हैपेंड, सो आई सॉ फ्रांस का फ्लैग इन दैट इमिग्रेशन ऑफिसर्स
क्लोथ, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वहीं पे हो गया होगा इमिग्रेशन और यहाँ पे कुछ चेक नहीं करते, क्योंकि अभी तक तो देर इज़ नो साइन ऑफ चेकिंग और साइन बोर्ड दैट वी नीड टू गो फॉर अ पासपोर्ट चेक और इमिग्रेशन. सो आई अज्यूम कि बस हो गया, ट्रेन से उतरो और जहाँ जाना है वहाँ जाओ. एंड आई होप, मतलब ये ढाई घंटे की जर्नी ऐसे ही ख़त्म हो गई, वो पता भी नहीं चला. इट वॉज लाइक ऐसे बैठे हैं और जुप वी आर इन फ्रांस. आई होप यू गाइज ऑल्सो इन्जॉयड इट. एंड इफ यू गाइज आर प्लानिंग अ ट्रिप टू पैरिस लंडन से, तो भाई सबसे बेस्ट वे है यूरो स्टार. प्लीज़ डू कंसिडर इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर प्लानिंग अ ट्रिप और ट्रैवलिंग. एंड लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर ब्लॉग. वेट, यू हैव टू कम इन अनदर ब्लॉग बिकॉज यू विल गेट टू सी मोर ऑफ पैरिस. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पर आपको आईफिल टावर एंड पूरे पैरिस की बहुत अच्छे अच्छे रील्स देखने को मिलेंगे. सो यू शुड नॉट मिस आउट ऑन देम. So Instagram, my shadow beat, subscribe and I'll see you guys in next vlog. Till then, bye bye.